नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नमक के बारे में कि नमक हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्या नमक के फ़ायदे हैं, क्या फ़र्क है जो नॉर्मल सी सॉल्ट हम खाते हैं और क्या फ़र्क है अगर हम रॉक सॉल्ट इस्तेमाल में लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे। छोटी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ, छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो तरीके के नमक जो है मार्केट में उपलब्ध होते हैं। पहला होता है सी सॉल्ट, जो समुद्र से निकला हुआ नमक होता है। दूसरा होता है रॉक सॉल्ट, जिसे हिमालयन पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है, लाहौरी नमक भी कहा जाता है, व्रत का नमक भी कहा जाता है, जो कि हमें नेचुरल जो है पहाड़ों वगैरह से मिलता है। ज़्यादातर प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान लाहौर वगैरह में। सी सॉल्ट्स की अगर हम बात करते हैं, सी सॉल्ट जो समुद्री नमक होता है, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो सी सॉल्ट में आपको केवल 3 से 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, केवल 3 से 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं रॉक सॉल्ट की, तो उसमें आपको 94 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी को मिलते हैं। तो यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ही है, जो सी सॉल्ट्स में और रॉक सॉल्ट में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में, जैसे समुद्र का पानी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसी तरीके से समुद्र से निकली हुई कोई भी चीज़ हमें बेनिफिट ज़्यादा नहीं दे सकती। जैसे समुद्र के पानी से ही नमक बनता है, अगर इसकी बात करें तो फ्री पानी है, धूप फ्री है। समुद्र से निकले हुए नमक की जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग आपके 30 पैसे से लेकर 50 पैसे पर केजी तक की कॉस्टिंग आती है, लेकिन वही आज जो है 10 रुपये 20 रुपये केजी तक जो है मार्केट में बिक रहा है। एडवर्टाइजमेंट इस तरीके की जा रही है, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, आयोडीन की कमी नहीं होने देगा, ये नहीं होने देगा, वो नहीं देगा। दोस्तों, हमारे देश में आयोडीन की कमी वैसे भी नहीं होती है, जो पुरानी रिसर्च है बहुत सारी जो ये बताती हैं, क्योंकि हमारे देश में जो है दालें हरी सब्जियां वगैरह बहुत खाई जाती हैं, तो आयोडीन की कमी नहीं होती है इतनी ज़्यादा। फिर भी जो है मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है कि सी सॉल्ट्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, रॉक सॉल्ट को कहीं प्रमोट नहीं किया जाता। इसके अलावा दोस्तों, जो हमने नमक हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जो सेंधा नमक होता है, रॉक सॉल्ट होता है, वो बिल्कुल फ्री फॉल नहीं होता, उसके अंदर मॉइस्चर होता है। नमक की प्रॉपर्टी होती है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। अगर आपको नमक को 5 मिनट के लिए खुले में रख देंगे तो वो आसपास के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और वो जो है गीला हो जाएगा। तो जैसे अभी क्या होता है, नमक को फ्री फॉल बनाने के लिए, जैसे हमने नमक चुटकी से लिया और ऐसे करके हम घेरते हैं, दाना दाना जो नमक का घेरता है, फ्री फॉल उसका बनाने के लिए उसमें एक केमिकल यूज़ किया जाता है, जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, हमें लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकता है। केमिकल तो कोई भी हो दोस्तों, शरीर के लिए नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रॉक सॉल्ट की, तो रॉक सॉल्ट में जो है इस तरह के केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। रॉक सॉल्ट इसीलिए आपको फ्री फॉल नहीं देता है, चिपचिपा रहता है थोड़ा सा। लेकिन अगर हम जो है फ्री फॉल जब बेनिफिशियल होता है, अगर हम किसी भी चीज़ में ऊपर से नमक डालना चाहते हैं, अगर हम सब्ज़ी बनाते हुए नमक डालने हमें फ्री फॉल की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हमें क्यों फ्री फॉल की तरफ जाना है। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको रॉक सॉल्ट में मिलेंगे, सी सॉल्ट में नहीं मिलेंगे। हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत जो आजकल हर घर में हो रही है, जिसके घर में ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, वो केवल अपना नमक चेंज कर दे। आप रॉक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक यूज़ करना स्टार्ट कर दें, आप देखेंगे धीरे धीरे ब्लड प्रेशर की दिक्कत आपके घर से ख़त्म होती चली जाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा जो है मार्केटिंग किस तरह की जा रही है, किस नमक की, उस पर ध्यान ना दें। हमेशा अपने घर में केवल और केवल रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करें, सेंधा नमक इस्तेमाल करें, वो आपके शरीर को फ़ायदा देगा, कोई नुकसान नहीं देगा। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।